भाई साहब भाव अन्ना को घर पहुंच गए क्या? यानी बाजी दत्ता तेरे साथ नहीं है? कहाँ है वो? भाई साहब वो मैं एक दुश्मन का पीछा करने गया था, वापस आया तो देखा कि दत्ता और नक्कू नहीं थे, मुझे लगा कि घर पहुंच गए रहेंगे। हाँ आई जगदम्बे, कहाँ है दत्ता और नक्कू? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, बाजी ने कहा है ना कि भैया और भाभी सही सलामत है, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? एक बार मुझे भाभी ने बताया था कि भैया और वो दोनों जंगल में फंस गए थे, लेकिन वो सही सलामत घर आ गए थे ना, तो बस इस बार भी वो लोग लौट आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें लगा था दत्ता और नक्कू की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, सब उल्टा होता जा रहा है। जब से शादी हुई है मेरे बेटे के सर पे खतरा मंडरा रहा है, हमें लगता है ये जो भी हो रहा है ना नक्कू की वजह से हो रहा है। जगदम्बे मम्मी उम्मीद करना अच्छा होता है, अगर वही उम्मीद अगर झूठी साबित हो जाए तो Stop!
चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ मैं सर। तो देख कर नहीं चल सकती थी? साहब मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे वाह, यहाँ तो जश्न मन रहा है। ताई ये ग्लास मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल। ताई, भाऊ और नक्कू फिर साथ में हैं। और पिछली बार की तरह इस बार किसी जंगल वंगल में उन दोनों में प्यार हो गया ना, तो हमारा खेल तो खत्म। अच्छा है। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी सोच हमेशा से मेरे लिए रहस्यमय रहे। बल्कि कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता तुम आखिर चाहती क्या। दत्ता भाव की मात या दत्ता श्रीराम पाटिल की मौत? नहीं जीजा जी, मैं दत्ता श्रीराम पाटिल की मौत नहीं चाहती। मैं तो उसे धीरे धीरे कमजोर करना चाहती हूँ। उसकी जिंदगी में ऐसा दिन देखना चाहती हूँ जहाँ बिल्कुल अकेला हो। आप और लीजिए ना, आपको मेरा एक और काम करना है। जास्कर के बारे में पता लगाना है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो दत्ता भाव पर भारी पड़ गया। क्या पता कल वो हमारे कोई काम आ जाए। ये जास्कर के बारे में हम बाद में पता करें तो बेहतर होगा। पहले हमें ये पता करना चाहिए कि दत्ता और नकु का। मुर्गा खाओगी? तुम वही खाओ क्योंकि मुर्गा काटने का काम मेरा है, समझी?
तुम्हारा बेटा किस कमरे में है? क्या हुआ है उसे? ठीक तो है ना वो? जी, बाबू तो नहीं आए यहाँ पे। क्या? लेकिन बाजी ने तो इसी अस्पताल का नाम लिया था। डॉक्टर! ए, स्ट्रेचर जल्दी ला! डॉक्टर! दत्ता! कहाँ है तुम्हारा डॉक्टर? दत्ता, तू ठीक है ना बेटा? अरे, ये नकुशा को क्या हो गया? बोल ना दत्ता। डॉक्टर साहब, ये हमारी वही नहीं आने दत्ता भाव की पत्नी है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, खून बहुत बह चुका है, जख्म भी बहुत गहरा है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाव, पहले आप पेपर्स पर साइन कर दीजिए। आप ऑपरेशन तो शुरू कीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब हो रही है, शायद दर्द की वजह से बेहोश हो गई है। गांव में इन्फेक्शन ना हो जाए, हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। ए डॉक्टर, खुद कह रहा है मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, वक्त नहीं है हमारे पास। तेरा ऑपरेशन मैं यहीं कर दूंगा और मुझे किसी के दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? दत्ता भाव, तू शांति रख। डॉक्टर साहब, पेपर्स पे मैं साइन करती हूँ। चलिए, चल चल चल, लाइए। ये सब कैसे हुआ? नकुशा को इतनी चोट कैसे लगी? तुझे कुछ याद है कि नहीं? मेरा मतलब, उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? भरोसा नहीं है इस लड़की का। अब ये लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं।
नर्स, इनके जल्द से ब्लड ग्रुप चेक करो और ब्लड अरेंज करो। बाजी, ये सब हुआ कैसे? नक्कू को चोट कैसे लगी? हाय साहब, मैंने कितना मना किया नक्कू को कि मत जा, पर उसके दिल को लगा कि भाव की जान खतरे में है। फिर क्या, लेके गई मेरे को। उसने वहां पर देखा कि कोई भाव पर निशाना लगा रहा है, वो आगे दौड़ गई और उसने गोली अपने आप पर ले ली।